हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFS। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जैसे जैसे एग्जाम पास आती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आने लगता है कि सर माइंड कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम पास आ रही है लेकिन हम लंबे समय तक यहाँ पर बैठ नहीं सकते पढ़ाई के लिए, तो इन कुछ टॉपिक्स के ऊपर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि थंबनेल के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लियरली हमने ये लिखा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ पर मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ। इनकी सेल्फ मोटिवेट कैसे करना चाहिए हमें, ये कुछ चीज़ों के ऊपर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। 5 पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको शो करूँगा जिसको आपको फोकस करना है और धीरे धीरे आपको खुद को यहाँ पर इम्प्रूव करते जाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहला मैंने लिखा है सेट शॉर्ट गोल्स। अब ऐसा क्यों है, देखो जब हम लॉन्ग गोल्स को डिफाइन करते हैं या देखते हैं कि बहुत कुछ करेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बट जब आप एक शॉर्ट गोल डिसाइड करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आपने सोचा ये मैं चीज़ें पढ़ूंगा, तो कभी ऐसा मत सोचना कि पूरा चैप्टर मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा या इतने दिनों में इतना चैप्टर पूरा खत्म करूंगा, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। शॉर्ट गोल्स कीजिए डिसाइड कि आज के दिन मुझे क्या खत्म करना है, कि आज के दिन मुझे ये 2 यूनिट्स खत्म करनी है, फिर कल के दिन मुझे ये 2 यूनिट्स खत्म करनी है, फिर तीसरे दिन मुझे उन टॉपिक्स के ऊपर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कि जब आप ऐसे शॉर्ट गोल्स को डिफाइन करते जाओगे, शॉर्ट गोल जब आप रखोगे तब धीरे धीरे करके आपका जो लॉन्ग गोल है उसको भी आप आराम से अकॉम्प्लिश कर पाओगे। ठीक है, तो शॉर्ट गोल्स को सेट करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। आपको एक स्टडी शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, एक दिन का ही पूरा आपका एक शेड्यूल यहाँ पर डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आप सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, पूरा टाइम अगर आप पढ़ाई के ऊपर दे रहे हो तो आपका एक 100% शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो, जॉब करने वाले पर्सन हो, तो जो बचा कुचा समय है उसमें तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ 24 आवर्स पढ़ाई करते, जॉब वगैरह नहीं करते होंगे, कॉलेज वगैरह हुआ होगा, तो उनको एक स्टडी शेड्यूल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। कि फॉर एग्जाम्पल सुबह आप मान के चलो कि 2 to 3 आवर्स का आप सुबह पढ़ाई करोगे, ऐसा मान के चलो 3 to 4 हो गए, फिर आपका दोपहर का टाइम थोड़ा सा आपका रेस्ट टाइम हो सकता है, फिर उसके बाद आपका लंच टाइम हो सकता है, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हो, फिर शाम को वापस से आपका 2 to 3 आवर्स का एक शेड्यूल होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर आप रैंडमली पढ़ाई करने जाओगे कि चलो अभी मन किया तो बुक लिया, फिर मन किया तो नहीं किया, तो ऐसे नहीं चलेगी। जब शेड्यूल आप यहाँ पर डिसाइड करोगे तो वो क्या होता है, डिसिप्लिन की तरह से आपका ये चीज़ें जो है, गोल्स जो है वो अचीव होते जाएंगे। तीसरा जो है यहाँ पर एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस का मतलब क्या है, जब एक स्टूडेंट की लाइफ होती है बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर होते हैं, बट जो मेन डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर जो है आपका, वो यूजुअली माना जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या मोबाइल, TV, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें। तो आपको पता है अभी इस समय आपकी प्रायोरिटी क्या है, एग्जाम्स को क्लियर करना। ठीक है, मान के चलते 3 मंथ्स है 4 मंथ्स है, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो दिसंबर में जो सेट देगा तो उसके लिए उसके हाथ में 3 मंथ्स का समय है, फिर कोई महाराष्ट्र सेट के टारगेट कर रहा है तो आई थिंक यहाँ से 6 महीने का उसके पास समय है। तो मान के चले कि 3 मंथ्स है, अब 3 मंथ्स बहुत कम समय है वैसे देखा जाए तो चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया या आपका कोई TV शो हो गया, वेब सीरीज हो गए, मूवीज देखना हो गए, इनको आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या जब आप खाना खाते हो या आपका कुछ एक ब्रेक होता है तब आप इन चीज़ों को कर सकते हो, बट आप डेली बेसिस पर रेगुलरली इन चीज़ों को कर रहे हो जिसमें आप 2-3 आवर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये तो गलत बात है। क्योंकि आपको पता है इंस्टाग्राम वगैरह जब आप खोलते हो आराम से कभी कभी उसमें से 1 आवर 2 आवर तो ऐसे ही निकल जाते हैं, तो इनको आपको कुछ ना कुछ करके एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हमने कहा है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। ओके, 14th पॉइंट यहाँ पर है टेक ब्रेक्स। टेक ब्रेक्स का मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया डिसाइड किया यहाँ पर कि मैं आज 3 to 4 आवर्स की पढ़ाई करूँगा, जैसे कि सुबह फॉर एग्जाम्पल 8 to 12 में पढ़ूंगा, बट 8 to 12 कंटिन्यूस पढ़ना वैसे तो पॉसिबल नहीं होता, बैठ सकते बट बाद में वो जो एफिशिएंसी है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रेक लेना। ब्रेक लेना है मतलब क्या, मान के चलो कि आपने फॉर एग्जाम्पल 1 आवर पढ़ा एकदम प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापस से बैठो 1 घंटा, एक 5 मिनट का आप चाहे तो वापस ब्रेक ले लो, तो ऐसे ऐसे करके जब आप चीज़ों को कवर करते जाओगे तो वो ज़्यादा चीज़ें एफिशिएंट होगी, बट डायरेक्टली अगर 4 आवर्स कवर करने जाओगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, क्योंकि 2-2.5 घंटे के बाद आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं हम थक जाता है, तो चीज़ें दिमाग में वैसे भी कम जाने लगती है, तो ब्रेक्स लेना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद लास्ट है यूज
मल्टीपल रिसोर्सेस। अब मल्टीपल रिसोर्सेस का मतलब क्या है, देखो अब पढ़ना या पढ़ाई करना नॉट नेसेसरी बुक्स ही हो, हम अब यहाँ पर 21st सेंचुरी में हैं तो यहाँ पर रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है हमारे पास, मल्टीपल रिसोर्सेस है, तो उसका हमें फ़ायदा यहाँ पर लेना है। जैसे कि बुक्स, आप सेकेंड रिसोर्स क्या देख सकते हो, आपका यूट्यूब, ऑब्वियसली हर कोई यहाँ पर मोबाइल यूज़ करता है, यूट्यूब पे जाओ, कोई भी अगर आपको लगे किसी टॉपिक के ऊपर आपको कन्फ्यूजन है, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो नॉट नेसेसरी हर वक्त आप जाकर बुक ही खोलोगे, क्योंकि आपको पता है बुक खोलना, उस चीज़ को ढूंढना और उसको पढ़ना, इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम। बट जब आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाओगे, एक तो टाइम सेव करेगा और दूसरी चीज़ यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेगी फ्रॉम डिफरेंट फैकल्टीज का हो या डिफरेंट टीचर्स का हो, वो भी एक चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो उसके रिलेटेड भी आप जा सकते हो यूट्यूब के ऊपर, या इवन कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि हमारा IFS का एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको टेस्ट सीरीज अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज करना है। हर चीज़ के लिए आपको बुक्स के ऊपर रिलायबल नहीं होना है, क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेस हैं तो उसका आपको बेनिफिट यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप धीरे धीरे जब आप यूटिलाइज करने लगोगे, फॉलो करने लगोगे, तो अपने आप आपको जो है यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखिए और अपने काम के लिए लगिए। अगर आप सेट का दिसंबर का टारगेट कर रहे हो तो अराउंड 3 मंथ्स आपके हाथ में, या तो मार्च का सेट उसके बाद और 3 मंथ्स के बाद मार्च अप्रैल में होगा, तो 6 मंथ्स का समय आपके हाथ में यहाँ पर है। तो अगर आप कोई भी सेट के लिए टारगेट कर रहे हो तो ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है, बेनिफिशियल रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर लेकर आए, जो दिसंबर में स्पेशली एग्जाम देंगे सेट का, तो 999 में यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, एक्सेप्ट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प करने वाली है। IFS 30 का आपका कूपन कोड है, तो अभी की जाइए और इसको रजिस्टर कीजिए। और इसके साथ साथ जो अभी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनके लिए हम यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्स लाए हैं सिर्फ 5529 में, जिसके ऊपर हम यहाँ पर फ्लैट 30% ऑफ वापस दे रहे हैं, और इसका भी जो कूपन कोड है वो है आपका IFS 30। तो ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ट्रस्ट में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।